नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसान खबरी की एक और वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 DII ट्रैक्टर के बारे में। दरअसल किसान भाई, ये जो ट्रैक्टर है आपको टू व्हील ड्राइव फोर व्हील ड्राइव दोनों वेरिएंट में मिल जाता है। महिंद्रा अर्जुन सीरीज का सबसे फेमस ट्रैक्टर है, काफी बढ़िया काफी दमदार ट्रैक्टर है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के हॉर्स पावर के बारे में तो ये जो ट्रैक्टर है 57 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, काफी दमदार ये ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर में आपको कई सारे नए नए अत्याधुनिक फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो की काफी बढ़िया है, और महिंद्रा कंपनी ने इस ट्रैक्टर को काफी बढ़िया तरीके से डिजाइन करा है और काफी हैवी ड्यूटी इस ट्रैक्टर को बनाया गया है। और ये जो ट्रैक्टर है महिंद्रा के सबसे फेमस ट्रैक्टरों में से एक है। जितने भी किसान भाइयों ने इस ट्रैक्टर को लिया है उनका यही कहना है, ये जो ट्रैक्टर है काम काफी बढ़िया निकालता है, टॉर्क काफी बढ़िया जनरेट करता है और एवरेज भी काफी बढ़िया देता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपको एक धंधा ट्रैक्टर चाहिए जो कि लो मेंटेनेंस हो और काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे, तो ये ट्रैक्टर आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। तो चलिए और डिटेल में बात करते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में, शुरुआत करते हैं इस ट्रैक्टर की कीमत से। मैं इस वीडियो में आपको टू व्हील ड्राइव फोर व्हील ड्राइव दोनों वेरिएंट की जानकारी दे रहा हूं, तो मैं आपको डिटेल में दोनों के ही प्राइस वगैरह बता देता हूं। अगर हम बात करें टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की कीमत के बारे में तो इस ट्रैक्टर की जो कीमत है तकरीबन 7,70,000 से लेकर तकरीबन 8,30,000 के बीच में रहती है, कीमत जो प्लस माइनस हो सकती है। अगर हम बात करें फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की कीमत के बारे में तो जो ट्रैक्टर आपको तकरीबन 9.5 लाख से लेकर तकरीबन 10 लाख के बीच में पड़ सकता है, कीमत जो इसकी भी प्लस माइनस हो सकती है। दरअसल कृषि यंत्रों की जो कीमत है फिक्स नहीं होती है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग कीमत होती है और समय समय पर कृषि यंत्रों की कीमत कम ज्यादा होती रहती है। तो मैंने जो आपको कीमत बताई है उसमें आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कितने के बीच में आपको ट्रैक्टर पड़ेगा, और अगर आप जितने अच्छे वेरिएंट के साथ ट्रैक्टर को लेंगे तो ट्रैक्टर के प्राइस कहने के उतने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। फिलहाल इसमें आपको इतने ज्यादा ऑप्शन मिलते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ज्यादा अच्छे ऑप्शन के साथ ट्रैक्टर को लेते हैं तो ट्रैक्टर की कीमत कहने की बढ़ जाएगी। चलिए बात करते हैं ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया जो ट्रैक्टर 57 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, फिलहाल महिंद्रा कंपनी ने इस ट्रैक्टर को 57 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर बताया है और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने 55.7 हॉर्स पावर लिखा हुआ है। तो दोनों ही हॉर्स पावर जो है वो सही है, कई लोग इसको 55.7 हॉर्स पावर भी बताते हैं, कई लोग इसको 57 हॉर्स पावर का भी ट्रैक्टर बुलाते हैं। दरअसल दोनों ही जानकारी जो सही है। इस ट्रैक्टर का जो इंजन है तकरीबन 41.6 किलोवाट के इंजन जनरेट करता है, काफी अच्छी एनर्जी जो इस ट्रैक्टर का इंजन जनरेट करता है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के मैक्सिमम टॉर्क के बारे में तो इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 213 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, काफी ज्यादा टॉर्क जो इस ट्रैक्टर का इंजन जनरेट करता है। चलिए बात करते हैं ट्रैक्टर के इंजन के सिलेंडर के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, काफी अच्छा काफी हैवी ड्यूटी इंजन जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है और काफी हैवी ड्यूटी पिस्टन्स वगैरह जो इस ट्रैक्टर में यूज करी गई है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के इंजन की कैपेसिटी के बारे में तो इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 3531 सीसी की पावर जनरेट करता है, काफी अच्छी सीसी जो इस ट्रैक्टर इंजन जनरेट करता है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर इंजन के आरपीएम के बारे में तो इस ट्रैक्टर इंजन ने तकरीबन 2100 आरपीएम जनरेट करता है, काफी अच्छा आरपीएम जो इस ट्रैक्टर इंजन जनरेट करता है। चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन के एयर फिल्टर के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको ड्राई टाइप एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है, काफी बढ़िया एयर फिल्टर जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है, और इस ट्रैक्टर में आपको एयर फिल्टर का इंडिकेटर भी मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया है। चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के कूलिंग सिस्टम के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको वाटर कूल्ड कूलिंग सिस्टम वाला इंजन देखने को मिल जाता है, काफी अच्छा कूलिंग सिस्टम है। इस ट्रैक्टर के कूलिंग सिस्टम में आपको फोर्स सर्कुलेशन ऑफ कूलेंट देखने को मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया है और इंजन को ठंडा रखने में काफी ज्यादा मददगार होता है। इस ट्रैक्टर को आप लंबे समय तक यूज कर सकते हैं और ट्रैक्टर जो हीट वगैरह नहीं होगा वो काफी ज्यादा काम निकालेगा। आप लंबे समय तक अगर इस ट्रैक्टर को यूज करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन के बारे में। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर क्लच के टाइप के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको ड्यूल क्लच देखने को मिल जाती है। इस ट्रैक्टर में आपको काफी ज्यादा हैवी ड्यूटी और बड़े साइज वाली क्लच देखने को मिल जाती है जो कि काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देती है और काफी लंबे समय तक जो है काफी अच्छे से काम करती है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर ट्रांसमिशन के टाइप के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको सिंक्रो मैच वाला ट्रांसमिशन टाइप देखने को मिल जाता है, काफी अच्छा ट्रांसमिशन टाइप है, काफी अच्छा काफी हैवी ड्यूटी गियरबॉक्स जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है। इस ट्रैक्टर में आपको साइड शिफ्ट लीवर देखने को मिल जाता है जो कि काफी हेल्पफुल रहता है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर के गियर के बारे में। इस ट्रैक्टर में आपको टू व्हील ड्राइव फोर व्हील ड्राइव दोनों वेरिएंट में अलग अलग गियर मिल जाते हैं, तो मैं आपको दोनों के अलग अलग गियर बता देता हूं। अगर हम बात करें टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के गियर के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 15 फॉरवर्ड गियर मिल जाते हैं और 3 रिवर्स गियर मिल जाते हैं, काफी अच्छे गियर जो टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में दिए गए हैं। अगर हम बात करें फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के गियर के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 15 फॉरवर्ड गियर देखने को मिल जाते हैं और 15 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं, टोटल 30 गियर जो है फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाते हैं। काफी ज्यादा गियर जो इस ट्रैक्टर में मिल जाते हैं, इस वजह से इस ट्रैक्टर की कीमत जो ज्यादा रहती है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट, अगर आपको ज्यादा गियर चाहिए तो आप इस ट्रैक्टर को फोर व्हील ड्राइव वेरिएंट के साथ ले सकते हैं, ट्रैक्टर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देगा और काफी अच्छा काफी हैवी ड्यूटी गियर बॉक्स जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है और गियर की जो शिफ्टिंग वगैरह होती है वो भी काफी स्मूथली इस ट्रैक्टर में होती है। चलिए बात करते हैं ट्रैक्टर की स्पीड के बारे में। टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की दोनों की जो स्पीड है वो अलग अलग है, तो मैं आपको अलग अलग बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की स्पीड के बारे में, तो ये जो ट्रैक्टर है फॉरवर्ड गियर पे तकरीबन 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर तकरीबन 33.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर की रिवर्स स्पीड के बारे में तो ये जो ट्रैक्टर है तकरीबन 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर तकरीबन 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है, काफी अच्छी स्पीड जो टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में दी गई है।
अगर हम बात करें फोर व्हीलर ट्रैक्टर की स्पीड के बारे में, तो फोर व्हीलर पर ये जो ट्रैक्टर है तकरीबन 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर तकरीबन 33.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर की रिवर्स स्पीड के बारे में, तो ये जो ट्रैक्टर तकरीबन 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर तकरीबन 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। काफ़ी अच्छी रिवर्स स्पीड जो इस ट्रैक्टर में दी गई है, फॉरवर्ड स्पीड और रिवर्स स्पीड दोनों ही काफ़ी बढ़िया इसमें आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपको इस ट्रैक्टर को पडलिंग वगैरह के पर्पज से यूज़ करना है या फिर आपको लोडर वगैरह के पर्पज से यूज़ करना है, अगर आपको रिक्वायरमेंट अगर आपको फोर व्हीलर वेरिएंट वाले ट्रैक्टर चाहिए या फिर आपको ज़्यादा गेयर चाहिए, तो फोर व्हीलर वेरिएंट वाला ट्रैक्टर जो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आपका नॉर्मल यूज़ अगर आपको केवल खेती के पर्पज से ट्रैक्टर का यूज़ करना है, तो आप इस ट्रैक्टर को 2 व्हीलर वेरिएंट ले सकते हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। चलिए बात करें इस ट्रैक्टर के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको मैकेनिकल ऑयल लिमिट डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छा काफ़ी हैवी ड्यूटी ब्रेकिंग सिस्टम जो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक्स के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर की मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में, तो वो तकरीबन 2200 किलोग्राम। काफ़ी अच्छी लिफ्टिंग कैपेसिटी जो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। इस ट्रैक्टर की लिफ्ट जो काफ़ी अच्छी काफ़ी हैवी ड्यूटी बनाई गई है और काफ़ी प्रिसाइसली काम करती है, काफ़ी स्मूथली जो इस ट्रैक्टर की लिफ्ट काम करती है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर स्टीयरिंग के टाइप के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको केवल और केवल पावर स्टीयरिंग ही मिलेगा, इसमें आपको मैकेनिकल स्टीयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। काफ़ी अच्छा काफ़ी हैवी ड्यूटी स्टीयरिंग टाइप जो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाता है। और फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का जो फ्रंट एक्सल है वो भी काफ़ी अच्छा काफ़ी हैवी ड्यूटी दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर की फील्डिंग की कैपेसिटी के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको तकरीबन 66 लीटर की फील्डिंग की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। काफ़ी अच्छी फील्डिंग की कैपेसिटी जो इस ट्रैक्टर में दी गई है। चलिए बात करते हैं ट्रैक्टर की पीटो के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर पीटो के टाइप के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 6 स्प्लिन शाफ्ट वाला पीटो टाइप देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा पीटो टाइप है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर पीटो के आरपीएम के बारे में, तो इस ट्रैक्टर जो पीटो तकरीबन 540 आरपीएम जनरेट करता है। और इस ट्रैक्टर में आपको रिवर्स पीटो भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर पीटो के हॉर्स पावर के बारे में, तो इस ट्रैक्टर जो पीटो तकरीबन 50 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है। काफ़ी अच्छा हॉर्स पावर जो इस ट्रैक्टर पीटो जनरेट करता है। इस ट्रैक्टर का जो पीटो तकरीबन 37.5 किलोवाट की एनर्जी जनरेट करता है। काफ़ी दमदार पीटीओ है। आप इस ट्रैक्टर के पीटीओ की मदद से बड़े साइज के रोटोवेटर, थ्रेशर, भूसा मशीन जैसी मशीनरीज काफ़ी आसानी से चला सकते हैं। और अगर आपको ट्रैक्टर चले हार्वेस्टर पे भी इस ट्रैक्टर का यूज़ करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ट्रैक्टर जो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर के टायर के साइज के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के टायर के साइज के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर फ्रंट टायर के साइज के बारे में, तो ट्रैक्टर में आपको 7.5x16 का फ्रंट टायर साइज देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर पिछले टायर के साइज के बारे में, तो ट्रैक्टर में आपको 16.9x28 का पिछला टायर साइज देखने को मिल जाता है। काफी अच्छा टायर साइज जो 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के टायर के साइज के बारे में, तो ट्रैक्टर में आपको 9.5x24 का फ्रंट टायर साइज देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर पिछले टायर के साइज के बारे में, तो ट्रैक्टर में आपको 16.9x28 का पिछला टायर साइज देखने को मिल जाता है। टायर साइज जो काफी बढ़िया दिया गया है, चाहे आप 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का टायर साइज देखें या फिर आप 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का टायर का साइज देखें। इस ट्रैक्टर में 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर और 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर दोनों वेरिएंट के टायर साइज जो काफी बढ़िया दिए गए हैं। 57 हॉर्सपावर के ट्रैक्टर के हिसाब से काफी बढ़िया टायर साइज है। तो फिलहाल किसान भाइयों, ये थी जानकारी महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 DII ट्रैक्टर के बारे में। अगर आपकी रिक्वायरमेंट अगर आपको 57 हॉर्सपावर का दमदार ट्रैक्टर चाहिए, तो ये ट्रैक्टर आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। महिंद्रा के ट्रैक्टर्स की रीसेल भी काफी बढ़िया होती है और सर्विस ये जो ट्रैक्टर काफी बढ़िया देते हैं। काफी लो मेंटेनेंस ये ट्रैक्टर माना जाता है और पार्ट्स वगैरह जो महिंद्रा के ट्रैक्टर के काफी आसानी से मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो ट्रैक्टर काफी बढ़िया है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, काफी सारे नए नए अत्याधुनिक फीचर जो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल के समय यही थी जानकारी महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 DII ट्रैक्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आए, तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और महिंद्रा के बाकी ट्रैक्टर्स पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, तो आप अपने चैनल किसान खबरी पर जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल किसान भाई, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।